सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि बजट मजदूर कर्मचारी किसान व आम जनता विरोधी है। बजट पूंजीपतियों को रियायतें देने वाला है। मजदूरों की 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन की मांग को अनदेखा किया गया है। बजट कैजुअल टेम्परेरी ठेका आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट मल्टीटास्क व अन्य कच्चे रोजगार के नियमितीकरण के सवाल पर खामोश है। आंगनबाड़ी आशा मिड डे मील व अन्य योजना कर्मचारियों को नियमित करने पर बजट खामोश है। सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने केंद्रीय बजट को पूरी तरह से मजदूर कर्मचारी किसान व आम जनता विरोधी करार दिया है। सीटू का मानना है कि यह बजट बेरोजगारी महंगाई अमीरी और गरीबी के बीच में जो असमानता है घटता निवेश है और सिकुड़ती अर्थव्यवस्था जो है उसका समाधान करने में पूरी तरह विफल रहा है। बजट अर्थव्यवस्था को विस्तार देने में भी असफल रहा है और इस बजट से भविष्य में जनता के दुखों में और बेरोजगारी में बढ़ोतरी होना तय है। यह बजट पूरी तरह से मजदूरों के खिलाफ है और बजट पूंजीपतियों को रियायतें देने वाला है। जो मजदूरों की मांग है 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन की पूरे देश में, उस पर बजट खामोश है। आंगनवाड़ी आशा मिड डे मील और अन्य जो योजना कर्मी हैं वर्ष 2013 में भारतीय श्रम सम्मेलन में जो उनको नियमित कर्मचारी का दर्जा देने की बात हुई थी उसको इस बजट में अनदेखा किया गया है। यह बजट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर जो मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड हैं जो एक 100 साल के लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों के 44 श्रम कानून बने थे उनको ख़त्म करके जो 4 लेबर कोड मोदी सरकार ने 2020 में बनाए थे, उन 4 लेबर कोडों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर लादने की एक कोशिश है इस बजट में। यह बजट जो है जो सार्वजनिक उपक्रम हैं देश के और जो सेवाएं हैं तथा मनरेगा आदि इन सबको कमज़ोर करने की दिशा में एक कदम है और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लादने का एक क्रम है। खाद्य सब्सिडी को घटाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जो इस बजट में नज़र आया है। बजट सिर्फ आंकड़ों का मकड़ जाल है और यह बजट ऊँट के मुंह में जीरा डालने के जैसा है, क्योंकि इस बजट में मजदूरों और कर्मचारियों और किसानों और आम जनता के संदर्भ में कोई उस तरीके से पुख्ता कदम नज़र नहीं आते हैं। बजाय इसके जो देश के जो पूंजीपति हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी जो है उसके पक्ष में ये बजट है। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिमला।